मैं गुजारिश गुजारू, हमारे मेहमान हैं तुरज जैदी साहब, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के मेंबर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो डैश पे आए और चंद कलमात शहजादी के। जनाब तुरज जैदी साहब, हमारे मेहमान जनाब सूरज जैदी साहब तशरीफ ला चुके हैं। असल हमारी कमेटी ने कुछ मेहमान को अवार्ड और शॉल पहनाने के लिए हमारे बस में आए हुए। मैं गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब इज्जत माँ सूरज जैदी साहब के जो तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल इस महफिल के बारे में एक बावाज बलन नारे सलवार शुरू कर। हजरत सलाम अलैकुम, मेरे हक में सिर्फ दुआ यही कीजिएगा कि हजरत हूर के सदक़े में अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करे और इमाम हुसैन मरहूम के ग़ुलामों में मेरा शुमार हो। आज अफरोज़ जैदी साहब का, बिलाल साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो इज्जत दी। जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से ये जश्न हो रहा है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी निगाह परवाज़ बहुत महदूद है कि मैं शहज़ादी के सिलसिले में कुछ कलाम कर सकूं। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जहरा की सना तुझसे रकम हो नहीं सकती, जहरा की सना तुझसे रकम हो नहीं सकती, जहरा की कनीज़ों का तारुफ ही करा दो, जहरा की कनीज़ों का तारुफ ही करा दो। बिल्कीस तख्त की ख्वाहिशी ना करेगी, बिल्कीस तख्त की ख्वाहिशी ना करेगी, ज़रा उसको फिज़ा की चटाई पे बिठा दो। आज मुझे मालूम नहीं था कि इतनी अजीम शान शख्सियतों के बीच में शहज़ादी के नाम पर मुझे बोलना पड़ेगा। हकीकत यह है कि मेरी निगाह परवाज बहुत महदूद है, शहज़ादी की नैलाइन कर सकता हूँ जहाँ पर भी हूँ। और बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मौला की विलायत उसका इकरार मेरे दिल में होना चाहिए, सरकारी ओहदा कोई मायने नहीं रखता, इमाम हुसैन की ग़ुलामी मिल जाए ज़िंदगी का सबसे बड़ा शरफ हासिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद रोज़ पहले करबलाए मौला की ज़ियारत का शरफ हासिल करके आया हूँ और अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक का तवाफ़ करता हुआ पानी जो सरदाब का पानी होता है वहाँ के मुजाविर ने मुझे तबर्रुक के तौर पर दिया, इमाम हुसैन मजलूम की कब्र मुबारक पर की चादर दी, मेरे लिए इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं है। आज आपने बुला के इज्जत दी, हकीकी तौर पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।